मास्क में है लेकिन मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि पहली बार लखनऊ में। सर आप नाम बताइए अपना। सोनू। सोनू जी, जी। दस्तरखान या टुंडे कबाबी बेटर क्या है? देखिए टुंडे कबाब तो वहाँ मिलेगा आपको अमीनाबाद में, और दस्तरखान जो आपको यहाँ मिल जाएगा, दस्तरखान में टुंडे कबाब मिलते हैं। दस्तरखान है ना, दफ्तरखान तो नहीं, दफ्तर तो मैं छोड़ के आया। नहीं दस्तरखान। You don't know टुंडे कबाब? इसको वापस डालो एयरपोर्ट पे यार। भाई टुंडे कबाब नहीं बताओ यार, नैशी सिंह। अच्छा दस्तरखान पे क्या खाया जाए? आप सर वो आप देखिए, आपका पसंदीदा क्या है? नहीं हम लोग तो वेज हैं। आप वेज हैं? अच्छा वेज कुछ मिलता होगा, आलू अवधी स्टाइल? अच्छा माफ कीजिए, यहाँ बताओ आलू चलता 24 घंटे? आलू और चालू सब मिलेगा। सोनू जी हम इधर भावकाल मचाने आए हैं और ये हमारे बगल में बैठ के सिर्फ बकैत कर जा रही है। कैसी है हमारी यूपी की भाषा है बताइए? कितने नंबर देंगे 10 में से हमें? बताइए गर्दा उड़ा दिया जाए क्या फिर? बोले हाँ सुबह नाश्ता करने किधर जाए? शर्मा जी, जी क्या खाए वहाँ पे? कचौड़ी? शर्मा जी की कचौड़ी और फिर शर्मा जी की बैटी और शर्मा जी के दामाद की बैटी, सब शर्मा ही है, ये भी शर्मा ही है। तब कल तुम्हें कंटैप लगा दिएगा। आई डोंट थिंक दिस वर्क बाय द वे। गुड मॉर्निंग भैया जी, सुबह की बजे 9:30, 11:15 का कॉल टाइम है, हम चले हजरतगंज की सैर पे। भाई ये शर्मा चाय आए लेकिन यहाँ तो बहुत बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, क्या किया जाए फिर? है वाजपेयी जी की पूरी खाई जाए? वहाँ पे भी लाइन लगी होगी। वहाँ भी लाइन लगी होगी? वो सब फेमस है। वो कितना दूर है यहाँ से? वो भी आगे घुमा करके फिर यू टर्न करके अंदर सारागंज के पास जाना पड़ेगा हमको। चलो वहाँ चेक करते हैं कितनी लाइन है। लाइन लगी है लंबी, लेकिन अब जब इतना शौक हो तो फिर थोड़ा थोड़ा रिस्क तो लेना पड़ेगा ना डार्लिंग। चलो देखें मैं करते रहो कैरी ऑन। क्या कह रहे थे? पाकिस्तान टीम इज अंडर परफॉर्मिंग, बाबर इज नॉट स्कोरिंग, शादाब इज नॉट गुड फॉर्म। आज के मैच का बताओ, आज के मैच का विराट का 49th है, 5th को बर्थडे पे सुनील गावस्कर सर ने कह दिया है कि 85 लगेगी, बॉर्ड का रिकॉर्ड कोर्ट तोड़ेगा। रोहित रोहित की बैटिंग देखनी है, उसकी बॉल आई है हमारे पास, बैटिंग पहले चाहिए। केएल विल स्कोर 100 ऑन हिज होम ग्राउंड, सब सेट करा हुआ है, मतलब केएल बैंगलोर में बना लेगा, हैं मिल बांट के सारे कर लेंगे। लखनऊ है भाई, यहाँ हर नुक्कड़ पे चलती है एक्सपर्टीज, लव इट। राहुल, विशाल, पार्थ, इन तीनों ने मेरे को कचौड़ी खिलाई है यार, इनका मैंने नमक खाया, इनको ब्लॉग पे तो डालना ही था। थैंक्स फॉर द कचौड़ी गाइस। नो वरीज मैन, नाइस मीटिंग। व्हाट्स योर नेम? ऋषि। ऋषि जरा बोलिए इनको क्या चाय कप में दे रहे थे कुल्हड़ में, बताइए अपने शहर के बारे में। मैंने मलाई वलाई रहने दो, इतना भी प्यार नहीं है। थैंक यू ऋषि, थैंक यू सर। इंडियन फैंस के बीच में ये चार हमारे मेहमान थोड़ा नर्वस आ रहे होंगे, but I hope they're having a good time and I hope no one is being rude to anyone who's coming in. याद रखो ये वर्ल्ड कप में आपका जो बिहेवियर है वो दुनिया भर ट्रैवल करेगा, सो आप जैसे बिहेव करोगे वैसे लोग दुनिया में हमारे बारे में सोचेंगे, so I hope they have a good time. कैफ भाई अलाबादी के साथ जा रहे हैं हम ग्राउंड की तरफ। कैफ भाई आदाब। जी सलाम। अब ये बताएं कि कितना नाज है आपको हम पे कि हम और अभय जी जो गाड़ी चला रहे हैं सुबह 9 बजे हजरतगंज गए, वहाँ वाजपेयी जी की कचौड़ी खाई, चाय पी, राम आश्रय से जलेबी खाई। अरे वाह वाह, पूरा लखनऊ बहुत सुंदर है। सुबह 9 बजे उठना पड़ता है भाई। आप तो सो रहे थे, आप तो लेके गए नहीं हमें। मैं तो लेट आया, कल रात को सो गया, पर घुमा हुआ मेरा पहले लखनऊ। मेहमान नवाजी के नंबर कट गए क्या भाई आपके? हम तो शाम को जाएंगे 10 तक, बस खाने ही आए, ऐसे ही लग रहा हो आपको ब्लॉग में, काम भी करना है भाई। वो देखो ग्राउंड आ गया और ट्रैफिक शुरू। ओह यार ये ग्राउंड अच्छा है, साथ में कमेंट्री बॉक्स का व्यू भी बहुत अच्छा है, यू नो दिस इज वेयर वी आर, इनफ एम्पल स्पेस एंड सामने टीम, द विकेट इज नॉट टू बैड, वैसे तो बड़ा मुश्किल होता है पिक करना यू नो नेकेड आई से, स्पेशली रिवर्स एंड से, सो वी ऑब्वियसली हैव आवर मॉनिटर्स, लेकिन एक अच्छा एंगल वेयर यू कैन सी द होल ग्राउंड इज गुड, फ्लैग्स आर रेडी, अभी होगा नेशनल एंथम, कम ऑन बॉयज लेट्स डू दिस। तो
तो आपने पहले भी सुना होगा लखनऊ और कानपुर में आते हैं खाना खाने, एंड यहाँ पे अल अमीन जो केटर है ग्राउंड तक स्मेल आ रही थी तंदूर की, जो चल रहा है तंदूर। यहाँ का खाना कोई नहीं छोड़ता, चाहे बच्चे हो, चाहे जवान हो, चाहे डेंगू से रिकवर हुए हो, चाहे बिना डेंगू के हो। वेलकम बैक भाई, आपको तो खाना पड़ेगा आज पनीर। अरे पिछली बार जब आया था कानपुर, मेरे को इन्होंने दो मसाले दिए थे, एक कोरमा मसाला और एक अच्छा एक टिक्का मसाला। सिर्फ यंग लोगों को मिलते हैं मसाले। तीन साल में खाना बनाता था, एक टिक्का अपने लिए बनाता था मैरिनेट करके। आज है दोगे और बस काम खत्म, मैच जीते कोई भी। लबेड़ दो प्लेट, क्या क्या? चिकन टिक्का, फिश क्रिस्पी, नो थैंक्स, चिकन कोफ्ता, मटन निहारी। कॉमेंट्री कौन करेगा? मटन यखनी पुलाव। किसकी शादी है? दूल्हा दुल्हन का है? स्टेज का है? मेरी तो हो गई, एक बहुत है भाई। हमने ले ली अपनी स्टैंड पे चार विकटें, हम फिर चले खाना खाने। राम क्या स्मेल आ रही है यार तंदूर की, और ये जा रही है नियर एंड पे थर्ड मैन और फाइनल तक। तो आज जो भी वहां पे फील्डिंग कर रहा होगा जीप लप लप आ रही होगी। भाई सेलिब्रेशन ये वाला वार्नर कर रहे हैं, लेकिन सही मायनों में पुष्पा जो रुकेगा नहीं झुकेगा नहीं वो इस समय इंडियन टीम है। रोहित शर्मा जिन्होंने 3 दोहरे शतक बनाए, मतलब हजार से ज्यादा रीजन होंगे सबके पास रोहित शर्मा का फैन बनने के लिए, लेकिन आज फिर से दिखाया कि 100 मीटर का स्प्रिंट भी भाग रहे थे चेज में, और आज जब 42 किलोमीटर की मैराथन भागनी थी मुश्किल विकेट पे तो वो भी कर लिया। विकेट ट्रिकी थी लेकिन बंदे के पास सारे ट्रिक थे, एंड ऑनेस्टली लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट अगर कोई चीज है तो वो इस वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा कर रहे हैं। लेट्स कंपेयर हिम टू द अदर टीम्स, इंग्लैंड जॉस बटलर कोई चांस ही नहीं है, बांग्लादेश शाकिब अल हसन, अफगानिस्तान शाहिदी अच्छा कर रहे हैं, बट लेट्स लुक एट द बिगर टीम्स, ऑस्ट्रेलिया पैट कमिंस, साउथ अफ्रीका में तेंबा बवुमा, या फिर न्यूजीलैंड में टॉम लेथम। आप जितने भी कप्तानों को देखेंगे ना इन दिस टूर्नामेंट, एज अ कैप्टन जो परफॉर्मेंस रोहित शर्मा का, बिकॉज एज एन ओपनर और एक बड़ी टीम में ओपन करना द प्रेशर एंड द स्टेक्स आर कंप्लीटली डिफरेंट। सो रोहित शर्मा ने उस तरीके की लीडरशिप करी है, उस तरीके की बैटिंग की है, एब्सोल्यूट हैट्स ऑफ टू द कैप्टन। आज जिस तरीके से उन्होंने ये नॉक खेली, कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम केएल, कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम सूर्या, श्रेयस विल बी वेरी डिसअपॉइंटेड, चांस को जाने दिया। 49 का वेट बरकरार रहेगा, लेकिन डेंट टू द बोलर्स। एक पीढ़ी बड़ी हुई थी जो टेस्ट मैचेस पे बड़ी हुई थी, वो कहते थे हमने देखा है वेस्ट इंडीज के तेज गेंदबाजों को, हमने देखा दिल्ली और थॉमसन को, बहुत शायद आगे पीढ़ी जो बड़ी होगी, इंडिया में फैशनेबल बनाया है फास्ट बॉलिंग को बुमराह ने, मोहम्मद शामी ने, एंड दे विल से कि यार वो वाली स्पेल देखी थी बुमराह और शामी की, वो स्पेल देखी थी, ये स्पेल देखी थी, वैसी स्पेल्स एक के बाद एक कर रहे हैं। सो नेशनल ट्रेजर है जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शामी कम नहीं है। इट्स अनबिलीवेबल कि शामी की जगह इतनी मुश्किल से बन रही थी, बट आई थिंक टीम विल नॉट चेंज दिस टेम्पलेट नाउ। फैंटास्टिक टॉप ड्रॉर फास्ट बॉलिंग, एंड उसके बाद इतनी ड्यू में, मतलब सैलाब था, मसला क्या बोलते हैं, दरिया था, वो उसका दरिया बना हुआ था। इट वॉज लाइक घास गीली थी जैसे किसी ने बाल्टियां डाल रखी हों, उसके बीच में टू बी एबल टू एग्जीक्यूट जाडेजा, कुलदीप, सिराज, दिस टीम, बस फिंगर्स क्रॉस नजर ना लगे, क्योंकि ऑनेस्टली अगर वर्ल्ड कप वो प्रीमियर लीग की तरह होता कि हुएवर फिनिशेस एट द टॉप, इंडिया वर्ल्ड कप बाय एवरी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन, हर डिपार्टमेंट में देव बीन सो अहेड, बट विल कम डाउन टू द नॉकआउट्स एंड फिंगर्स क्रॉस। सो दैट वाज द व्लॉग, आई होप यू एंजॉयड। मैंने बहुत खाना खा लिया, मैं लगा हूं सोने।